लोगों से न्यारी ए ब्रज की होली अभी आप देख रहे हैं। आसमान रंगों से भर उठा है दोस्तों, ये गोपियां कूद कूद करके लठ बरसा रही हैं। ब्रज के रसिया की जय, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर ब्रज होली की पूरी संपूर्ण यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों बरसाना की लड्डूमार और लठमार होली दिखाने के बाद अब हम नंदगांव, कान्हा के नंदगांव आ गए हैं, जहां पर लठमार होली मनाई जाती है। लेकिन यहां लठमार होली के साथ साथ नंद बाबा के मंदिर में यहां पर हुरंगा भी होता है दोस्तों, बहुत भव्य हुरंगा यहाँ पर होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जो यहाँ ब्रज की होली होती है, यहाँ तीनों लोगों से भी न्यारी होती है। केवल भारत के लोग ही नहीं, दुनिया के लोग यहाँ होली देखने नहीं आते हैं, बल्कि तीनों लोगों के देव भी यहाँ पर होली देखने के लिए आते हैं दोस्तों। और यहाँ का जो रंग होता है अनूठा होता है, भव्य होता है। तो अभी हम नंद बाबा के मंदिर में चलेंगे, उसके बाद हम रंगीली चौक पर लठमार होली आपको दिखाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं कान्हा के नंदगांव रंगीली चौक पर लठमार होली देखने के लिए हजारों की भीड़, और यहां पर 5 बजे लठमार होली मनाई जाएगी दोस्तों। लेकिन अभी हम नंद बाबा के मंदिर में चलेंगे और वहां का हुरंगा आपको दिखाएंगे। और रास्ते में ही बांके बिहारे का मंदिर पड़ता है, सामने आप देख रहे हैं। यहाँ के लोगों में पूरा उत्साह है। कान्हा के नंदगांव के रहने वाले हैं, कैसा लगता है? अरे भैया ये तो सौभाग्य की बात है, ठाकुर तो हमारा हमारे संग है, हम तो ठाकुर के चका है, चका चक मजा ले रहे होली को। वो नंद के लाला की जय, तो भैया दोस्तों अभी हम कान्हा के नंदगांव के उन्हीं गलियों से होकर गुजर रहे हैं नंद बाबा के मंदिर तक जाने के लिए, जिन गलियों से होकर कभी कान्हा गुजरते थे और जिन गलियों में कान्हा कभी खेला करते थे। और यहाँ कान्हा के नंदगांव की गलियों से कोई बचकर नहीं निकल सकता, बड़ी बड़ी पिचकारियों के साथ लोग इंतजार करते हैं रंग डालने के लिए यहाँ पर कान्हा के नंदगांव की गलियों में। दोस्तों अब हम थोड़ी ही देर में नंद बाबा के मंदिर में पहुँचने वाले हैं, और सामने आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ वहाँ हुरंगा खेलने के लिए, हुरंगा देखने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे, और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं होली का गीत गा करके यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर होली के रसिया का गीत, और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं होली का गीत गाया जा रहा है, होली का रसिया गाया जा रहा है। ओ गजब, बड़ी अद्भुत होली शुरू होने वाली है दोस्तों, यहाँ पर हुरंगा शुरू होने वाला है। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं नंद बाबा के मंदिर से कान्हा का नंदगांव, बहुत सुंदर गांव है और आसपास का दृश्य बहुत सुंदर है दोस्तों। होली के रसिया की, ब्रज के रसिया की,
दोस्तों अभी हम नंद बाबा के मंदिर में हैं और यहाँ थोड़ी देर में बरसाना के हुरियारे आने वाले हैं। हुरदंग शुरू होने वाला है, होली शुरू होने वाला है दोस्तों, वो दृश्य हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद औरंगली चौक जाएंगे, वहाँ पर लठमार होली हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, और एक रसिया शुरू होने वाला है। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं बरसाना के होरियारे यहाँ पर आ चुके हैं और समाज गायन शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। मराठी जब बराबर भी हो तो किसी के हाथ काटने की चाबी देते तो सामने आप देख रहे हैं नंद भवन मंदिर परिसर में समाज गायन के साथ चारों तरफ गुलाल उड़ रहे हैं, पूरा आसमान रंगों से भर उठा है दोस्तों, लग रहा है सतरंगी इंद्रधनुष यहां पर उपस्थित हो गया हो, बहुत ही सुंदर दृश्य यहां पर। पूरे ब्रज के देवता तरसते हैं ये होली देखने के लिए, सब देवता आते हैं। देख देख या ब्रज की होली ब्रह्मा मन पछताए, सो रंग बरसे बरसाए, जो रंग तीन लोक में नाए, जो रस तीन लोक में। और यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं बहुत खुश नजर आ रहे हैं, चारों तरफ रंग ही रंग, गुलाल ही गुलाब, अद्भुत होली, यही सही मायने में होली होती है। अद्भुत दृश्य सामने आप देख रहे हैं,
मानो यहाँ पर कान्हा ग्वाल बाल संग राधा और सखियों संग होली खेल रहे हों। बड़ा दिव्य दृश्य यहाँ पर दोस्तों, और तीनों लोगों से न्यारी ये ब्रज की होली अभी आप देख रहे हैं दोस्तों। अभी हम आपको दिखा रहे हैं तीनों लोगों से न्यारी ब्रज की होली, अनूठी होली, जिसे देखने के लिए केवल आदमी इंसान नहीं बल्कि तीनों लोगों से देवता भी उपस्थित होते हैं दोस्तों। बहुत ही भव्य यहाँ पर होली का कार्यक्रम नंद बाबा के मंदिर में दोस्तों, मन गदगद हो गया है दोस्तों यहाँ का दृश्य देख करके। और सही मायने में हमारा यही देश है, सही मायने में हम आपको अपने देश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। गत वर्षों की बात ही आज भी कल बरसाने में लठा मार होली का आयोजन हुआ था और आज श्री नंदगांव में नंदलाला के समक्ष सभी बरसाने वाले आए हैं। कल नंदगांव वाले लठा मार होली खेलने के लिए बरसाने गए थे, आज बरसाने से बरसाने के होरियारे यहाँ पर नंदगांव में आए हैं। और आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि सबका एक बार व्यू दिखाएं कि कैसे बरसाने के होरियारे, नंदगांव के होरियारे कैसे प्रेम की भरी गालियों के साथ में होली का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। ये वो होली है जिसके लिए ब्रह्मादिक सुर संग्रादिक नारद तरसते हैं, याचना रखते हैं सालवर कि हम इस रस को पी करके सालवर जीवित रहेंगे, अनुरागी बने रहेंगे। और बरसाने से आए हैं हम आज, कल आप लोग आए थे यहाँ के, बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। जो सम्मान आप लोगों ने दिया है वो कहने योग्य नहीं है, इस जीप से वर्णन नहीं हो सकता है उसका। दोस्तों अब हम यहाँ से नंदगांव रंगीली चौक चलेंगे जहाँ पर लठामार होली शुरू होने वाली है और बहुत ही भव्य लठामार होली होती है। उसे भी देखने के लिए केवल इंसान ही नहीं देवता भी उपस्थित होते हैं, वो भी नज़ारा आज हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं नंदगांव, दोस्तों आप देख रहे हैं नंदगांव की संकरी गलियों से होकर लोग रंगीली चौक जा रहे हैं। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं रंगीली चौक, हमें वहीं पहुंचना है, वहां का दिव्य लठमार होली आपको दिखाना है दोस्तों। आप सामने देख रहे हैं सैकड़ों हुरियारन, सैकड़ों हुरियारों पर लठ बरसा रही है, बिल्कुल मोटे मोटे लठ बिना रुके बिना थके, अद्भुत दृश्य बिल्कुल। अभी हम आपको नजदीक से दिखाएंगे। और सामने आप देख रहे हैं ढाल जिस पर लठ बरसाया जाता है और जिसे हुरियारे अपनी सुरक्षा करते हैं। वाह गजब, ये गोपियां कूद कूद करके लठ बरसा रही हैं। नजारा आप देखिए दोस्तों, पूरा गिनती के साथ लठ बरसाया जा रहा है।